एवरीवन, दिस इज़ वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है नाउन। नाउन की एक वीडियो हम पहले भी कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि नाउन क्या होता है, नाउन कितने टाइप का होता है। फाइव टाइप हमने पढ़े थे, कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, मटीरियल एंड कलेक्टिव नाउन। ये पाँच तरह के नाउन होते हैं, लेकिन इन जनरल हम नाउन को टू कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। कौन कौन सा? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन कौन सा होता है? जो कॉमन नाउन होता है वो काउंटेबल होता है, एंड प्रॉपर, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। अब इनमें अनकाउंटेबल के सारे रूल कैसे लगते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में और जो कलेक्टिव नाउन है उसके हम कुछ एग्जांपल्स, बहुत सारे ढेर सारे एग्जांपल हम देख चुके हैं इससे प्रीवियस वाली वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं कौन सा? कंपाउंड नाउन। देखो, नाउन वैसे फाइव टाइप के होते हैं, लेकिन एक क्या होता है? कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन की अगर बात करें तो कंपाउंड नाउन क्या होता है? जो दो या दो से अधिक वर्ड से मिलकर, टू और मोर वर्ड से मिलकर अगर कोई नाउन बना है तो क्या होगा? कंपाउंड नाउन। और कंपाउंड नाउन को प्लूरल करने के लिए उसमें हम सिंपली क्या लगाने वाले हैं? एस या फिर एस। देखो, अगर डेफिनेशन की बात करें, अ कंपाउंड नाउन इज अ नाउन विच इज मेड ऑफ टू और मोर वर्ड्स, जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। इन ऑर्डर टू मेक कंपाउंड नाउन प्लूरल, इसको प्लूरल करने के लिए वी हैव टू एड एस, एस या आई एस टू द रूट वर्ड्स। जो भी रूट वर्ड होगा उसी में हम क्या लगाएंगे? एस या फिर ईएस। जैसे अगर मैं बात करूँ इस वाले एग्जांपल की, फर्स्ट है सन इन लॉ, तो सन इन लॉ, तो देखो जो लॉ है, लॉज जो होते हैं हमारे, इसमें क्या बोला है? सन इन लॉ। तो इसका जो रूट वर्ड है वो क्या होगा? सन। तो इसको हम प्लूरल बनाने के लिए क्या कर देंगे? सन्स इन लॉ, ना कि सन इन लॉज, ठीक है। ऐसे ही ब्रदर इन लॉ है तो इसको क्या करेंगे प्लूरल के लिए? ब्रदर्स इन लॉ। एंड कमांडर इन चीफ, तो इसको क्या करेंगे हम? कमांडर्स इन चीफ। ऐसे ढेर सारे एग्जांपल है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आई होप आपको कंपाउंड नाउन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रूल क्या है? इफ टू नाउन्स आर जॉइंड बाय प्रपोजिशन। देखो क्या बोला है, यदि दो नाउन किससे ज्वाइन हो? एक प्रपोजिशन से। द नाउन ऑन ईदर साइड, जो नाउन है वो दोनों तरफ ही कैसा होगा? सिंगुलर। सिंगुलर तो होगा, लेकिन एक शर्त और क्या है, जो प्रपोजिशन है उसके दोनों तरफ का नाउन सेम भी होगा। कैसा होगा? एकदम सेम, तभी वो क्या होगा? सिंगुलर। अदरवाइज अगर नाउन सेम नहीं है तो वहां पर ये वाला रूल नहीं लगेगा। एंड द वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर, वर्ब भी कैसा होगा वहां पर? सिंगुलर। कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, शिवम रॉट पेजेस आफ्टर पेजेस। छोटी क्लासों में भी आपने वाला रूल अच्छे से देखा होगा। तो देखो यहाँ पर आफ्टर क्या है? प्रपोजिशन, इसके पहले पेजेस एंड बाद में भी क्या है? पेजेस। तो दोनों नाउन क्या है? सेम, लेकिन हमने रूल में क्या पढ़ा है? कैसा होगा वो? सिंगुलर। तो इसको क्या बनाएंगे हम? पेज आफ्टर पेज। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, डेज बाय डेज, बाय क्या है? प्रपोजिशन। तो इसको क्या बनाएंगे हम? डे बाय डे, ना कि डेज बाय डे। क्लियर है? पाइल्स ऑन पाइल्स ऑफ पेजेस। देखो पाइल ऑन पाइल, एस नहीं लगेगा, ऑन क्या है? प्रपोजिशन। पाइल और पाइल दोनों क्या हो जाएंगे हमारे? नाउन। अब देखो नाउन हमने सिंगुलर करा तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। यहाँ पर वर्ब गिवन है वॉज एंड वर, सिंगुलर में क्या आता है? वॉज, ना कि वर। अरेंज्ड, ही वॉज अ डोर्स टू डोर्स सेल्समैन बिफोर द बिफोर ही बिकेम एन एक्टर। तो यहाँ पर कौन सा नाउन है? डोर टू डोर, तो एस नहीं लगेगा, क्या आ जाएगा? डोर टू डोर, टू क्या है? प्रपोजिशन। शिप्स आफ्टर शिप, इस और आर में से हम देखेंगे क्या लगने वाला है? अराइविंग। तो सबसे पहले तो ये क्या हो जाएगा? शिप आफ्टर शिप, क्योंकि आफ्टर है हमारा प्रपोजिशन और शिप को क्या है? दोनों तरफ सेम तरह का नाउन है। अब वर्ब कौन सी आएगी? इज आर, तो सिंगुलर वर्ब होती है हमारी इज अराइविंग। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रूल पर हम चलते हैं। नेक्स्ट रूल देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इस पर ढेर सारे सवाल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। क्या है रूल? देखो, वर्ड्स लाइक
कौन कौन से वर्ड अगर आपको दिखे सेंटेंस में, जैसे 100, 1000, मिलियन, डजन, ये सारे वर्ड अगर आपको दिखे, मिलियन, बिलियन, जो भी हो, यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, तो ये सारे कैसे फॉर्म में यूज होंगे? सिंगुलर फॉर्म में। लेकिन कब? व्हेन प्रिसीडेड बाय अ न्यूमरल, जब एक नंबर के से प्रिसीडेड हो। इट मीन्स इनके आगे अगर आपको कोई भी एक नंबर मिले, नंबर जैसे 1, 2, 3, इनमें से अगर कोई भी एक नंबर आपको मिले, तो ये सारे वर्ड्स कैसे होंगे? सिंगुलर। इट मीन्स इनमें एस या ईएस नहीं लगेगा। वैसे हम बोल देते ना हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस, तो अगर नंबर लगा है आगे तो कैसे लिखेंगे? 1000, 2000, 3000, 100, ऐसे हम सेंटेंस में इनको यूज करने वाले हैं। कुछ एग्जाम्पल है इसके, देखो, आई गिव हिम 200 रुपीज़। 200, हमें 100 दिखा, इसके आगे नंबर भी गिवन है, तो एस नहीं लगेगा, क्या बनेगा? 200 रुपीज़। तो ये वाला सेंटेंस कैसा था? इनकरेक्ट, एंड दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। क्लियर है सभी को? कुछ एग्जाम्पल और करते हैं, तब अच्छे से और अच्छे से क्लियर होगा। क्या एग्जाम्पल है? 5 gown या फिर gowns, was और were में से क्या लगेगा? अवेलेबल। अब देखो, वो जो पहले वाला रूल है वो यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि गाउन जो है वो 100, 1000, मिलियन, बिलियन ये नहीं है, ये सिंपली क्या है? एक नाउन है जो है गाउन। तो 5 gown या फिर gowns, 5 है तो कैसा आएगा? प्लूरल, 5 gowns। अब प्लूरल आया है तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल, 5 gowns वर अवेलेबल। क्लियर है? 100, 1000, 1000,000,000, उसके लिए ये रूल होता है कि नंबर है तो वो कैसा आता है? सिंगुलर, एंड वर्ब भी कैसी होती है? सिंगुलर। 5 अगेन 5 है तो गर्ल होगा या गर्ल्स, 5 girls वर प्रेजेंट। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, अ 5-man कमिटी, मैन या फिर मैन, कमिटी वॉज या वर एस्टेब्लिश्ड। देखो, अ कमिटी, एक कमिटी की बात हुई है तो वर्ब तो कैसा होगा? सिंगुलर, ये तो क्लियर है। और आगे क्या है? 5 men। अब देखो, 5 men या फिर मैन, इन दोनों में से क्या आएगा? देखो, एक ही कमेटी है तो एक ही कमेटी में क्या है? 5 लोग हैं, तो 5 men आ जाएगा। अगर ऐसे होता कि 5 men's की एक कमेटी, 5 अलग अलग लोगों की बात नहीं हुई है, एक ही कमेटी के 5 लोगों की बात हुई है, अगर ऐसे आता कि 5 लोगों की, 5 अलग अलग लोगों की एक कमेटी है, तब तो हम क्या लिखते हैं? 5 men's। और एक ही कमेटी के 5 लोग हैं तो हम लिखेंगे 5 men। अब 5 men कमेटी, एक ही कमेटी है, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या आ जाएगी? वॉज एस्टेब्लिश्ड। आई होप थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात थी, लेकिन आपको क्लियर हो गया होगा। और कुछ एग्जाम्पल हम करते हैं, जो अभी हमने रूल पढ़ा है उसी से रिलेटेड। 7 dozen bananas was या were rotten। 7 dozen, देखो 7 है एंड dozen है, एस नहीं लगा है, सही है। bananas, अब देखो प्लूरल है bananas, तो 7 dozen bananas, तो वर्ब कैसी आएगी? were, ना कि was। खाली होता 7 dozen तो क्या आता? was। अगर bananas प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। क्लियर है? 10 minutes टाइम, अब देखो 10 minutes टाइम, देखो अगर मिनट और टाइम कुछ और गिवन है तब हम कैसे करेंगे? देखो, टाइम क्या है हमारे पास? नाउन। नाउन को क्वालिफाई करने वाला कौन होता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में एस नहीं लगता है, तो क्या लिखेंगे हम इसको? 10 minutes टाइम। 10 मिनट के समय की एक बात की है तो कैसा है वो? सिंगुलर, क्या आ जाएगा? वॉज अलॉटेड टू द स्टूडेंट्स। 10, नेक्स्ट देखो, 10 minutes वॉज ए वर्ब। अब यहाँ पर तो ये ही क्या है? नाउन है, इसके बाद कोई नाउन नहीं है, तो ये ही क्या है? नाउन। तो 10, ये मिनट्स आ सकता है, 10 minutes, तो प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसे आएगी? वर्ब गिवन टू द स्टूडेंट। क्लियर है सभी को? और कुछ एग्जाम्पल है, 500 rupees। अब 100 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो एस नहीं लगेगा। 500 rupees, रुपीज है, प्लूरल है, तो क्या आ जाएगा? 500 rupees, अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। देखो, अब ऐसे सेंटेंस में और क्या करना है आपको?
आगे पूरा सेंटेंस पढ़ के देखना है कि एक यूनिटी की बात हो रही है या फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। एक सिंगल चीज की बात होती है तो वहां पर हम वर्ब लगाएंगे, वैसे अगर आप रुपीस देखते तो क्या लगा देते, आर, लेकिन यहाँ पर लिखा है अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, एक गुड अमाउंट है, 500 रुपीस एक गुड अमाउंट है, तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। अगर यहाँ पर किसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती तो क्या आता, देखो डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, अलग अलग लोगों में होता है, तो वर्ब कैसे आ जाती है, प्लूरल। लेकिन एक गुड अमाउंट है तो वहाँ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, जो कि होगी इज। 500 ये क्लियर सही है, रुपीस ठीक है। अब वर्ब को देखेंगे हम, गिवन टू मी बाय माय फादर, अब मेरे फादर के द्वारा मुझे दिए गए हैं तो सिंगुलर है, वॉज आ जाएगा। 500 रुपीस अगेन रुपीस है, वॉज या वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन, डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई है तो क्या आ जाएगा, प्लूरल वर्ब, वर। क्लियर है इतना। देखो और कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। माई मदर डिमांडेड 20,000 रुपी, 20 लगा है, 1,000 है, एस नहीं लगेगा, क्लियर है। माई यंगर ब्रदर स्पेंड 2,000 रुपीज, 2 लगा है, 1,000 के साथ एस नहीं लगेगा, क्लियर है। 5 dozens है, एस हटा दो, 5 dozen eggs, अब एक्स प्लूरल है तो क्या लगेगा, वर अवेलेबल, एकदम क्लियर सही है एकदम। 5 minutes टाइम, वही टाइम क्या है, नाउन, ये क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में एस नहीं लगता है, तो 5 minute टाइम, 5 मिनट का समय, एक सिंगुलर है तो वॉज लग जाएगा यहाँ पर, वॉज अलॉटेड। क्लियर है इतना। और भी एग्जाम्पल, जस्ट अ मिनट, देखो और कुछ एग्जाम्पल है। 5 minutes, अब यहां पर हमको सेंटेंस में ही गिवन है 5 minutes, तो प्लूरल की बात हुई है, वर गिवन टू कंप्लीट द टास्क। कैन यू लैंड मी 2,000 rupees, 2 लगा है, एस नहीं लगेगा। थाउजेंड्स ऑफ पीपल केम, अब देखो यहाँ पर थाउजेंड्स लिखा है, इसके पहले कोई नंबर नहीं है तो आ सकता है थाउजेंड्स ऑफ पीपल केम। आई बॉट 2 dozen bananas, 2 एंड dozen bananas, एकदम सही है। आई बॉट 2 dozen bananas, एस नहीं लगेगा, देन एकदम क्लियर होगा। आई बॉट 2 dozen bananas, 2 है, dozen है, एस हटा दो, 2 dozen of bananas। अब इस सेंटेंस को देखो, यहाँ पर dozen है एंड 2 भी गिवन है, फिर भी ये सेंटेंस क्या है, एकदम करेक्ट। क्यों है, क्योंकि dozen के बाद क्या आया है, ऑफ, ऑफ क्या है, एक प्रपोजिशन, तो ऑफ से पहले जो ये शब्द होते हैं dozen, thousand, million, billion, ये सारे कैसे आते हैं, प्लूरल फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, 2 dozen of bananas, तो सेंटेंस क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। I bought dozens of bananas. Of है, of से पहले ये वाले शब्द प्लूरल आते हैं तो एकदम क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, I bought 2 dozen of bananas. Of है, एस लग सकता है, 2 dozen bananas. Of नहीं है तो 2 के बाद dozen में एस नहीं लगेगा, देन क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। और देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर है, नहीं है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये जो मैंने रूल बताया था 100, 1,000, 1,000,000,000,000 क्या था इसमें, अगर इनके पहले कोई नंबर है तो ये सारे शब्द कैसे आएंगे, सिंगुलर, एंड वर्ब भी कैसे मिलेगी हमें, सिंगुलर। लेकिन इन शब्द के बाद कुछ प्रपोजिशन लगा है तो प्रपोजिशन से पहले ये सारे शब्द कैसे आते हैं, प्लूरल। क्लियर है, चाहे नंबर वहां पर गिवन हो तब भी कैसे आएगा, वो प्लूरल ही होगा। और हमने क्या देखा यहाँ पर, और हमने देखा था क्या देखा था, और हमने देखा था कि सेंटेंस को एकदम पूरा पढ़ के अगर उसका मीनिंग एक यूनिट की बात कर रहा है, एक सिंगुलर चीज की बात कर रहा है, तो वो आप कैसे लगाएंगे हम वहां पर, सिंगुलर। अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है तो वो आप कैसी आ जाएगी वहां पर, प्लूरल। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, एंड वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।